तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप सरसगढ़ जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और अगर नहीं भी जाने का सोच रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन ले लो, उसमें क्या बुराई है। तो आज हम बात करेंगे कि सरसगढ़ कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे और इसमें कितना खर्चा आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सरसगढ़ की बात की जाए तो सरसगढ़ सिर्फ एक किला है, पर अगर एक ट्रैकर्स के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ एक किला नहीं है, ट्रैकर्स के लिए तो किसी जन्नत से कम नहीं है। इसका 1.5 से 2 घंटे का कोई ट्रैक है, पर उसकी बात हम कभी और कर लेंगे। अभी हम करेंगे कि आपको सरसगढ़ पहुंचना कैसे है। सरसगढ़ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई से सरसगढ़ लगभग 100 किलोमीटर दूर है, तो मुंबई से आपको लोकल ट्रेन लेनी है दादर के लिए, और दादर से आपको खोपोली जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दादर मुंबई सेंट्रल से जब आप ट्रेन लेंगे तो आपका खोपोली का करीब 30 रुपये का टिकट लगेगा, है ना, और आप 2 से 2.5 घंटे में खोपोली पहुंच जाएंगे। और खोपोली से फिर आपको जाना है खोपोली फाटा, वो कोई भी 20 रुपये में टैक्सी वाला आपको खोपोली फाटा छोड़ देगा। खोपोली फाटा से आपको जाना है पाली, ठीक है ना, क्योंकि सरसगढ़ फोर्ट जो है ना पाली गांव से एकदम जुड़ा हुआ है ना, वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो आपको खपोली फाटा से पाली जाना है, तो हर 1 घंटे में वहाँ से बस है, ठीक है ना। खपोली फाटा से पाली गांव की दूरी जो है वो 40 किलोमीटर है, ठीक है, और टिकट 70 रुपये का है, जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटे में आप पाली पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो पाली पहुँचने के बाद आप चाहें तो वहाँ पर होटल ले सकते हैं। होटल आपको 500 रुपये एक दिन का पड़ जाएगा, है ना, चाहे आप एक लोग हों या दो लोग हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ आपका जो बस स्टैंड है ना, या फिर जहाँ आपका होटल है, उसके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ पे आपको एक थाली की प्राइस, स्पेशल नहीं, जो नॉर्मल थाली होती है ना, दो सब्जी दाल चावल रोटी, तो वो करीब 100 रुपये चार्ज करेगा, है ना। तो अब हम टोटल की बात कर लेते कि आपको जो है मुंबई से सरसगढ़ ट्रैक जो है फोर्ट है वहाँ तक पहुँचने के में आपको कितना पैसा लगेगा। तो अगर आप होटल लेते हैं तो मुंबई से पहले खपोली 30 रुपये, है ना, और खपोली से खपोली फाटा 20, 50 हो गया, ठीक है, और खपोली फाटा से पाली 70 रुपये, 120, ठीक है, और होटल का 500, 620, और फिर खाना डिनर 100 रुपये, 720, ठीक है ना। और कभी आप जैसे सुबह पहुँचते हैं सरसगढ़, है ना, और ट्रैक पे जाते हैं, शाम में वापस आते हैं, आपको होटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट मुंबई चले जाते हैं फिर शाम में, तो आपके होटल के 500 रुपये बच जाएंगे, है ना। पर मैंने ऐसा नहीं किया था, मैं इंदौर में रहता हूँ, तो मेरी ट्रेन थी इंदौर से मुंबई की 5 बजे करीब, जिसने मुझे सुबह मुंबई छोड़ा, मुंबई सेंट्रल। तो मुंबई सेंट्रल से मुझे पाली जो गांव है ना सरसगढ़ की फोर्ट की जहाँ शुरुआत होती है, वहाँ करीब 2 बजे तक पहुँचा, ठीक है ना। तो इधर से 5 बजे चला, फिर सुबह, फिर 2 बजे इतना थक गया था, तो मुझे होटल की ज़रूरत पड़ी, है ना। मैंने प्लान किया कि आज रात जो है सरसगढ़ में ही बिता लेते हैं, है ना, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था, है ना। तो आप चाहें तो रुक सकते हैं वहाँ पे, है ना, रुकने की जगह है, और आप नहीं तो ऐसे भी पहुँचे हैं, ट्रैक करें, वापस आ जाएं, पर उसमें काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाएगी, क्योंकि 2 घंटे आने के लगते हैं, 2 घंटे जाने के लगते हैं ट्रैक के, तो 4 घंटे तो यही हो गए। और फिर कभी आप दूसरे स्टेट कहीं से आ रहे हो, मुंबई के हो तो ठीक है, पर अगर दूसरे स्टेट से आ रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको रुक लेना चाहिए, बाकी आपके ऊपर है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन है ना। और आप चाहें तो पुणे से भी सरसगढ़ के लिए जा सकते हैं, पर पुणे से सरसगढ़ की दूरी 130 किलोमीटर के आसपास है, और मुंबई से 100 किलोमीटर के आसपास है ना। तो अगर आप कभी पुणे से जाते हैं तो पुणे से आपको लोनावला की बस पकड़नी पड़ेगी, ठीक है, लोनावला से फिर खपोली की, ठीक है, खपोली से फिर पाली की, और पाली पहुँच कर आपका वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है ना। मुझे बस के टिकट्स का प्राइस नहीं पता पुणे से कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि मैं नहीं गया, है ना। तो आप ऐसा भी रूट ले सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो मुंबई जाइए, मुंबई से आपको अच्छा ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, ट्रेन्स मिल जाएंगी, और बस से आप जल्दी पहुंच जाएंगे, दूरी भी कम है, 100 किलोमीटर है, और उधर 130, ठीक है। तो फिर
मिलते हैं, बाय।